तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें टूल तो शायद स्पेसिफाई है ऑलरेडी, है ना, एक बॉल मिल का टूल यहाँ पे है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ जेड लेवल प्रोफाइलिंग के लिए, ये रहा टूल मेरा। ठीक है, तो एक टूल और बना लेते हैं कैविटी मिल के लिए, या आप लाइब्रेरी से ले लो जैसा भी ठीक लगता है। चलिए हम खुद बना लेते हैं, और कौन से स्टेशन पे, पॉकेट नंबर 2 में जाएगा। ओके, और टूल कुछ इस तरीके से आ रहा है। टूल को मैंने कर दिया 20 का, और लोअर रेडियस 1 ले लिया, तो ये हो गया हमारा। और होल्डर इसमें लगाना चाहते हैं तो होल्डर लगाने के लिए यहाँ से जाओ, और रिट्राइव करेंगे लाइब्रेरी, और यहाँ से होल्डर लेते हैं, यहाँ से और 6 वाला हमने मीडियम कंप्रेशन वाला होल्डर ले लिया। पापा और से ओके कर देते, और ये हमारा टूल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं और कैविटी मिल ले लेंगे। कैविटी मिल आपने में, कैविटी मिल में जाओ यहाँ, और यहाँ से टूल लेते हैं यहाँ से मिल का, और ज्योमेट्री लिया हमने यहाँ से। अच्छा, मिल एरिया, एक मिल एरिया भी इसमें डिफाइन करा हुआ है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। हाँ, तो वर्क पीस ले लेते हैं यहाँ से, और इसको मैं कर देता हूँ रफ। यहाँ पे मोल्ड का भी आ रहा है, मोल्ड रफ ले लेंगे तो 0.4 का स्टॉक छूटेगा, और अभी चेक भी कर लेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे आके हम लेते हैं ये, कौन सा एरिया कट करना है, और ओके। और रफ का जो स्टॉक है वो 0.4 का आ रहा है, ठीक है ना। फॉलो पार्ट रखा फ्लैट, और इसको मैं 1 या 2 कर देता हूँ, और कर दीजिए इसे जनरेट। इसको अगर मैं कॉर्नर पैराफेरी कर दूंगा तो ये नॉन कटिंग मूव मेरे कम हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है ना। तो इसे कर दिया ओके, और वेरीफाई, ब्लैंक इसमें डिफाइन करा हुआ नहीं है, तो ब्लैंक के लिए अभी बोला है, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि ब्लैंक मैंने पार्ट में वर्क पीस में डिफाइन नहीं कर रखा है ना। तो अभी प्रीव्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लैंक में भी जाना पड़ेगा। और ये स्टेप जो बना हुआ आ रहा है ना, ये 1 mm जो हमने लिया है उसकी वजह से बना हुआ आ रहा है। टैप टैप कट कम लेंगे तो फिर स्टेप और कम हो जाएगा, और फिर फिनिशिंग में और ज़्यादा फिर वो क्लियर आ जाएगा। और इसे अब कर देते हैं ओके, तो ये रफिंग हो गया है हमारा। चाहते हैं तो इसके ऊपर अभी रेस्ट मिलिंग और लगा सकते हो आप, है ना, लेकिन फिलहाल के लिए हम रेस्ट मिलिंग नहीं ले रहे, और वर्क पीस में जाके ब्लैंक डिफाइन नहीं था, ब्लैंक को डिफाइन कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये एक एरिया मिल भी इसका देता है, एक कोई करने के लिए, है ना, अगर एक सिलेक्ट करा हुआ है। अभी ये दोनों हैं मेरे पास, और एक में जनरेट कर देते हैं इसे। नेक्स्ट यहाँ से जाके जेड लेवल प्रोफाइलिंग ले जाता हूँ मैं, ये जेड लेवल प्रोफाइलिंग है मेरा, और टूल बॉल मिल वाला जो इन्होंने रखा था पहले वही रख लेते हैं। अब फिनिश या सेमी फिनिश में से जो भी लगता है, और सिलेक्शन कर लीजिए एरिया टू कट, इसको मैं कर देता हूँ 0.5,
और अभी नहीं छेड़ते, सिर्फ एक बार जनरेट कर लेते हैं। ठीक है सर। और ये स्टीप वाला सारा एरिया कट हो गया है, नॉन स्टीप वाले के लिए अभी हमने छेड़ा नहीं है, मतलब अंदर से जाके आपको मोबाइल डिस्टेंस होती है ना, अगर ये फ्लैट वाली सरफेस और ऊपर वाली फ्लैट सरफेस के लिए चाहिए तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ से कट बिटवीन लेवल को ऑन करा दिया है ना, तब फिर वो चलेगा। अभी ट्रांसफर मेथड ये आ रहा है, ट्रांसफर मेथड को आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ले लिया तो ब्लू लाइन सी आ रही है नॉन कटिंग वाली, और जनरेट तो आप देखिए है ना, नॉन कटिंग वाला कम हो गया है, डायरेक्टली रैम्प पे कट कर रहा है। तो ये जेड लेवल प्रोफाइलिंग हो गया होगा शायद, है ना, अब क्लियर आपको। तो ये भी काफी ज्यादा सेमी फिनिश, हाँ सेमी फिनिश और फिनिश दोनों के लिए यूज होता है, और कैविटी में जो है वो हमारा रफिंग के लिए है।